अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, बाजी को सरप्राइज देने आई हूँ मैं। अभी बाजी को पता नहीं है कि मैं नीचे खड़ी हूँ, क्योंकि ये खड़े हैं हम लोग। इनसे कॉल करवाया है कि बाजी आप गेट ओपन कर दो, गजाला ने कुछ भिजवाया। तो अभी नहीं पता ही नहीं कि मैं आई। अब उनका रिएक्शन देखना है कि कैसा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ शोना से मिल रही हूँ। मुझे उसकी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, मैं कुछ बता नहीं सकती। अब मैं उसका फेस देखूंगी और बाजी का रिएक्शन देखूंगी तो कैसा होगा। तो अब तो हम फिलहाल वेट कर रहे हैं, क्योंकि लॉक लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, अब कोई आएगा ये ताला खोलेगा, हम फिर ऊपर जाएंगे। सो मिलते हैं ऊपर सरप्राइज देने। आइजू भी आइए, हाय गाइस। और हम लोगों की रास्ते में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, क्योंकि मेरा कोई आना था नहीं, बस ये और पापा आ रहे थे किसी अर्जेंट काम से, पापा के ऑफिस से। पर पापा ने बोला चलो, तो मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई तो मेरा सब हालत ख़राब हो गई, आयजा को भी हुई, मुझे भी हुई। तो मेरे फेस में मत जाना, बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो सरप्राइज कैसे देती हूँ आपको? अच्छा तो मेरा वीडियो बना रही है। अच्छा, मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ ना नीचे से। अच्छा, हाँ मेरे को बाजी को सेंड कर दूंगी। वो कह रहे मैं क्यों फोन करूँ। अच्छा, बाजी ताला लगा तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ना मैं आया हूँ गजाला को सामान भेजा है। हाँ वो यही बोल रहा, और मैं ऊपर से बोल रहा मैंने कहा अनु कल यार थे, मैंने कहा देखा ही नहीं। नहीं तो वो जब कहती मैंने मैं पीछे करती अंकल जी को इशारा करी। अच्छा, उसे पता है, मैंने कहा नहीं ये पता ही क्या है। अच्छा, चलो चलते हैं भैया। हेलो, बहुत मिस कर रही थी मैं, खुद मिस कर रही थी। देखो इन्हें देखो, दोनों मिल रही है। तुम्हारी छोना ही तो बीमार है, कल पता बुखार में तप रही। लाइट जला लो, सारी जला लो। आई आ हो रही छोनू की, तो पता और क्या लेती रहती है, तमीज जा रहा है, ऐसी नहीं है ना। आजी बाबू जी, आजी बाबू जी, आज ले 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 ना ना ले 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 अल्लू ने बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया। अल्लू के जी ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे मिलने आए हो। देख रही हो, वो भी सब कुछ देख रही है कि क्या है क्या है भैया, कौन कौन ने ये सारे बीमार थे कल, और देखो ये से भी चढ़ रहा है। आप कैसे हो बेटा? मैं तो मिली नहीं, तो मिली नहीं, नजर लग गई और कुछ नहीं। हाँ उतार जाना। तो यहाँ पर मैंने बनाया है आलू के लिए आलू का पराठा, उसको मेरे हाथ का आलू का पराठा बहुत पसंद है। तो यही कहती हूँ कि बाजी मुझे बस नाश्ते में आप सबसे पहले आलू का पराठा देना, उससे मैं करूँगी शुरुआत। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बन चुका है ऑलरेडी, ये मैं बना रही हूँ। ये मेरे सारे सामान हैं, मटर आलू, और यहाँ पर मैंने अभी ये काट के सब सामान रखा था, अब तो मैंने डाल दिया क्योंकि दो पराठे बनाने मुझे, तो दोनों में ये फिल हो गया। तो फटाफट से अनू को देते पराठे। हाँ उसके साथ मैंने बनाई थी ये चटनी, सिलवट्टे पे बनाई है, अनू को मेरे हाथ की चटनी भी बहुत पसंद है, तो मैंने ये चटनी बनाई बड़ी ज़बरदस्त थी। अब अनू इसे खाएगी पराठे के साथ और फिर मुझे बताएगी कैसा लगा उसे, ठीक है। तो ये नाश्ता अनू का हो गया है रेडी, फटाका से लेके चलते हैं क्योंकि उसे लग रही है भूख, और अंदर हो रही है पढ़ाई भी, यहाँ हो रही है पढ़ाई भी। इसको हटाओ, वो तू कर मिटाने का काम, चल रहा है बेचारी को, इसको भी चल रहा है, लिबा को भी चल रहा है, दोनों को ही चल रहा है। अभी पिलाती हूँ दवाई शक।
बात करें कब से गर्म हो गया। छोटे बच्चे को फीवर चढ़ता कितने क्यूट लगते हैं ना लॉल। हाँ रात को भी मैं आयरा को पढ़ा रही पापा ने इतनी अच्छी अच्छी वो डोरेमोन की पता नहीं कौन सी क्या है वो बना हुआ उस पर कार्टून शिनचैन है पता नहीं क्या। हाँ उसकी दवाई ला के दी इसके लिए भी बच्चों और उन लोगों के लिए भी। रात को सबको पिलाई। 2 बजे सोए हम रात को। हाँ आयरा का पेपर है ना तो वो परसों चली गई दादी के घर और मैं मना कर रही तो मम्मी पढ़ लूँगी अब सिलेबस इतना सारा। मैंने भी रात सोने नहीं दिया कह रही मम्मी मैं थक गई मैं नहीं पूरा कंप्लीट करो फिर कंप्लीट करवा के। और ये भी मेरे साथ जागती रही थी रात को। आइए आयरा जी। आयरा तुम्हें पता तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आयरा का सरप्राइज। हाँ हाँ अब अकेले ये इतनी बड़ी हो गई हैं। इनसे इतना मना करा है लेकिन इन्हें इतना शौक चढ़ा है कि नहीं मैं आ जाऊंगी नहीं मैं आ जाऊंगी। आते ही बता भी दिया। सही है सही। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया? जो करवाया था उसमें से कुछ आया आया था? अभी लूंगी मैं अभी देखूंगी सब देखूंगी। ठीक है। अच्छा अभी छुट्टियाँ नहीं पड़ी? नहीं छुट्टी कहाँ से पड़ी। और फिर छोड़ने में दिक्कत है कौन छोड़ के आया स्कूल था परेशान। तो अनुबाजी यहाँ पर कर क्या रही है पहले बता दो। बच्चों को सबको सर्दी बुखार जुकाम हो रहा है तो छुपा के ही मंगाई है छुपा के फ्रिज में रखी है और बिल्कुल कांच के ग्लास में नहीं दे रही मैं इसे मैं कहती इसी में पी। हाँ तो अभी बच्चे वैसे नीचे गए हुए लेकिन कभी भी आ जाते ऊपर। और 12 बज रहे हैं मैं कर रही हूँ नाश्ता मुझे लग रही है अब ज़ोरों से भूख तो मैंने अपने लिए ये बना लिया है अब मैं कर लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी सी देर में। फिर से बंद कर दी सब सीटी स्लो गैस पे। अच्छा भूल लेंगे बस अब भूलना ही है। हाँ ज़्यादा भी नहीं सारा पानी सो जाएगा हल्का सा 5 मिनट हो गया उसके बाद गैस कुकर ठीक। यहाँ पर छोनू ने परेशान कर रखा बहुत ज़्यादा तो अनु अपनी छोनू को लेके बैठी हुई हैं। चलो यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं ये इन लोगों की क्या फरमाइश है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम खाने में पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं और बच्चों को खाने हैं दाल राइस क्योंकि इन्हें भूख लग रही है और अभी ऑलमोस्ट खाना अभी बन भी नहीं पाया वो सब्ज़ी बन गई है। तो ये मैंने बिरयानी के लिए चावल कह रही हूँ प्याज बरिस्ता कर दिए तो मैं छौंकने ही वाली थी। ये मेरा सारा सामान रेडी है ये मेरा तेल लेकिन बीच में आयरा आ गई है कि मम्मी पहले दाल चावल दे दो तो मैंने दाल चावल गर्म करके देती हूँ और फिर छौंकूँगी अपनी बिरयानी। हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुमवर। तो कैसे हैं आप लोग सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो अच्छा आपसे आज के ब्लॉग में सलाम दुआ शुरू में हो नहीं पाया था क्योंकि वो दिन की शुरुआत ही इतनी ब्लास्टिंग से हुई थी और मैं इतनी शॉक्ड थी मतलब अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज़ हो जाती है तो हर इंसान के साथ ऐसी होता है ना। यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही थी और आप लोगों ने देखा मेरी बिरयानी कितनी झटपट बन गई है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। अनु ना मुझे हमेशा बोलती कि अभी आपकी जो बिरयानी है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और आपके जो चावल होता है ना ये बड़ा अच्छा होता है ये बिल्कुल खिला खिला भी होता है और कच्चा भी नहीं होता और टेस्ट में ये बहुत अच्छी होती है आप कैसे बनाती हो। तो मैंने उसको बताई तो है टिप्स वगैरह भी मैंने उसको कुछ बताई हैं और बाकी अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो वैसे मैंने शूट कर रखी है और मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसा होता है ना बार बार नहीं जुड़ते रहते हैं तो फिर भी उन्हें ढूंढने में हर चीज़ में परेशानी होती है। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना मैं इसकी रेसिपी डाल दूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी शूट कर ली थी इस व्लॉग में ऐड नहीं कर रही क्योंकि वो ये ना फिर व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और जिन लोगों ने देखी है वो फिर दोबारा क्यों देखे है ना भाई अलग से रेसिपी डाल दो तो फिर उसमें जिसको इंटरेस्ट हो वो देखे और बाकी तो लोगों को व्लॉग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो लोग व्लॉग देखें। हाँ मुझे पता है हम लोग ये मुझे कमेंट करेंगे कि ये बिरयानी नहीं ये पुलाव है जो भी है बट ये बहुत ज़्यादा यम होता है तो बहुत टेस्टी बनी थी। खैर मैं अपनी इसकी क्या तारीफ़ करूँ। हाँ मैं आप लोगों को बताना भूल गई आप लोगों ने देखा है क्लिप लेकिन आप शायद समझ नहीं पाए होंगे तो सब्ज़ी में हम लोगों ने बनाया था कीमा क्योंकि अन्नू की डिमांड थी कि हमें कीमा ही खाना है कोरमा वगैरह उसको नहीं खाना था
तो फिर वो अन्नू ने ही अपने आगरा स्टाइल में बनाया था। तो आप लोगों को पता होगा एक बार मैंने भी हरी मिर्चों का कीमा बनाया था आगरा स्टाइल में, तो मुझे अभी भी याद है कि काफ़ी लोगों ने रेसिपी मांगी थी। तो अब मैं आपको प्योर आगरा वालों के हाथ का आगरा का कीमा दिखाऊंगी, मैंने उसकी भी रेसिपी शूट की हुई है, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अंकल और माजिद भी आए थे। तो क्या हुआ था कि इन लोगों को कुछ काम होता है अलीगढ़ में, पहले अंकल जहाँ जॉब करते थे, अंकल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये काम करते थे, तो इनका ऑफिस यहीं अलीगढ़ में ही था। ये लोग पहले हाथस में रहते थे, ये तो शायद आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पर कुछ ऑफिशियल अंकल का वर्क था, तो अंकल वहाँ आते हैं, तो फिर वो अन्नू को भी अपने साथ ले आते हैं कि वो मुझसे मिल लेगी। तो ये लोग अपना काम करके फिर वापस आ गए थे। तो यहाँ पर इन लोग का पहले नाश्ता पानी चल रहा था, और अब बारी आती है खाने की। तो बस यहाँ पर खाना लगा दिया है, वही हरी मिर्चों का कीमा है, रोटी है, सैलड है, रायता है, बिरयानी है, चटनी है, और मीठे में गुलाब जामुन है। तो बस यहाँ पर सब बैठ के खाना खा रहे हैं। और प्लीज़ मेरे कपड़ों को मत देखना, इग्नोर करना, क्योंकि मैंने एक दिन पहले, पता है, रात हो गई थी मुझे कपड़े धोते धोते। आप लोगों को पता है कि बच्चों का साथ है तो वो बहुत सारे हो जाते हैं, फिर मेरे इनके भी थे और बच्चों के भी थे, तो इसलिए।